नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मीम टीच के प्लेटफॉर्म पे आप तमाम दोस्तों का स्वागत है। भैया, आप में से काफ़ी ज़्यादा लोगों का ये सवाल भी होगा कि शिबा इनू कॉइन की प्राइस राइज करना मतलब शिबा इनू कॉइन की बर्निंग। यहाँ पे जब रिसेंटली शिबा इनू कॉइन की बर्निंग के रिलेटेड जो न्यूज़ आई है, उसके बाद जो शिबा इनू कॉइन की प्राइस है वो लगातार यहाँ पे इंक्रीज होना भी स्टार्ट हो चुकी है और यहाँ पे एक स्टेबल बेस बना दी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो 800 की जो रेजिस्टेंट है वो यहाँ पे बार बार यहाँ पे ये तोड़ने की कोशिश की जा रही है और यहाँ पे हो सकता है कि ये जो रेजिस्टेंट है ये एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है शिबा इनू कॉइन की प्राइस को लेकर, और यहाँ से जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज भी हो सकती है। अब यहाँ पे शिबा इनू कॉइन की बर्निंग के बारे में बात करते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बिट फॉरेक्स है उसने बोल दिया है कि अगर आप शिबा इनू कॉइन को यहाँ पे सपोर्ट करते हैं तो यहाँ पे आप रीट्वीट लाजमी करेंगे। इससे ये जाहिर होता है कि जो बिट फॉरेक्स है वो शिबा इनू कॉइन को सबसे ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि भैया शिबा इनू कॉइन तो हर किसी का फेवरेट ही कॉइन है। क्योंकि भैया यहाँ पे रिसेंटली शिबा इनू कॉइन की आर्मी काफ़ी ज़्यादा मजबूत होती जा रही है और यहाँ पे लगातार शिबा इनू कॉइन की आर्मी के अंदर काफी ज्यादा लोग भी जुड़ते ही जा रहे हैं। अब हम बात करते हैं मेन मुद्दे की और आ जाते हैं बर्निंग वाले टॉपिक के ऊपर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सतोशी कुसामा है उन्होंने एक पहली वाला ट्वीट किया है जो कि सुलझाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ये जो बातें करते हैं वो हमारी समझ से बाहर होती हैं, लेकिन अचानक से कुछ कर देते हैं जिससे शिबा इनू कॉइन की जो प्राइस है वो यहाँ पे अचानक से राइज भी हो जाती है। अब ये बात कर रहे हैं ICA 6 digit बर्न होरिजन। अब यहाँ पे इसका क्या मकसद हो सकता है, यहाँ पे ये किस तरीके से शिबा इनू कॉइन की बर्निंग कर सकते हैं फ्यूचर के अंदर, और यहाँ पे बात की गई है 6 digit बर्निंग के बारे में। भैया डेफिनेटली ये दोबारा भी बर्निंग कर सकते हैं, क्योंकि इनको भी पता है शिबा इनू कॉइन की जो सप्लाई बहुत ही ज्यादा है और यहाँ पे प्राइस को इंक्रीज करने के लिए जो बर्निंग है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस ट्वीट के नीचे काफी ज्यादा लोगों के रिप्लाई भी आए हैं, और यहाँ पे जो 6 digit की जो बर्निंग है उसके रिलेटेड यहाँ पे कुछ बंदों ने ये भी कहा है कि 6 digit बर्न फॉर एवरी NFT दैट्स यूज। अब यहाँ पे भैया जब NFT लॉन्च होगा उसके अंदर भी 6 digit की जो बर्निंग है वो यहाँ पे हो सकती है। उसके अलावा यहाँ पे भैया बर्निंग के रिलेटेड काफी लोगों ने यहाँ पे ट्वीट किए हैं जो कि बहुत ही अच्छी बात। अब यहाँ पे ये हो सकता है कि शिबा इनू कॉइन की यहाँ पे अगर कॉइन बेस की लिस्टिंग होती और यहाँ पे जो 6 digit की है जो बर्निंग की बात करते हैं, अगर यहाँ पे भैया शिबा इनू कॉइन की दोबारा बर्निंग होती है तो भैया डेफिनेटली प्राइस भी काफी ज्यादा राइज हो सकती है। और यहाँ पे भैया ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस मंथ नहीं तो आने वाले कुछ ही महीनों के अंदर शिबा इनू कॉइन टू द मून। उम्मीद करता हूँ भैया वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो बार बार देखना चाहते हैं तो भैया चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल का घंटा प्रेस करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। हरे कृष्णा।